डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनसीईआरटी का ये मैथ है क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 7.3। तो इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं इसको आपको पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करके देता जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 है हैविंग, जिसमें कि 3/5 एक फ्रैक्शन है और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको निकालना है और उसमें कंडीशन दिया हुआ है ए नंबर में डिनोमिनेटर जिसका 20 हो तो फिर वो फ्रैक्शन क्या होगा, और नंबरेटर अगर 9 हो तो फिर उसका फ्रैक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हमें ए नंबर और बी नंबर लिए हुए हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर जिसमें 20 हो तो सबसे पहले हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसको हम लिखते हैं 3/5 हमारे पास है। अब इसको हम जैसे 3 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ था उसी तरह से इसको कर लेते हैं। डिनोमिनेटर है तो इसको नीचे रखते हैं 20। अब यहाँ पे क्या होगा तब मेरा पूरा फ्रैक्शन बनेगा, कैसे पता चलेगा? अब हम क्या करते हैं 20 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो इसको डिवाइड कर दिए 5 4 20, ये कट गया। कितने बार में गया? 4 बार में। मतलब है कि 5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो 20 मिला, तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 होता है तो ये 12 हो गया। ठीक है, तो मतलब ये फ्रैक्शन 12/20 जो हो गया यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया पूरा फ्रैक्शन। उसके बाद इसमें जो दिया हुआ है जैसे कि इसमें भी उसी तरह से लिखना, ये फ्रैक्शन हमारे पास है और नंबरेटर दिया हुआ है इसका मतलब ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे क्या होगा पता नहीं है तो 3 से 9 को हम करते हैं डिवाइड। 3 3 जा 3 बार में कट गया, ये कट गया 3 तो हमको क्या मिला 3 मिला। इसका मतलब है कि 3 को जो हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 मिला, तो 5 को भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 5 3 जा 15 तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया 9/15 ये आंसर होगा। ये हो गया इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे सी नंबर में डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 30 दिया हुआ है तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे 3/5 जो पहले मेरे पास है और इसमें इक्वल लगा देते हैं डिनोमिनेटर मतलब है कि नीचे। ठीक है, 30 अब ऊपर पता नहीं है तो फ्रैक्शन पूरा बनेगा नहीं, इसका मतलब है कि हम 30 को 5 से डिवाइड कर देते हैं 6 बार में जाएगा 5 6 30 ये कट गया 6 बार में गया। ठीक है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 30 मिला, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 होता है तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, मतलब है कि 18/30 ये आंसर हो जाएगा। एक लास्ट है यहाँ पे डी नंबर लेते हैं, नंबरेटर कितना है 27 दिया हुआ है 27 तो हमारे पास फ्रैक्शन है 3/5 इक्वल करते हैं और ये 27 नीचे पता नहीं है तो क्या करेंगे 3 से 27 को देंगे डिवाइड 3 9 जा 27 कट गया 9 बार में, मतलब 3 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 27, 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 तो ये 27/45 ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जो 3 और 4 था उसी की तरह ही है तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ पे 4 नंबर में क्या था, मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे थे, ये सब बड़ा नंबर था, अब यहाँ पे छोटा नंबर दिया हुआ है तो छोटा नंबर के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। इसको भी हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह लिख लेते हैं। हमारे पास ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और नंबरेटर 9 बतला रहा है तो यहाँ पर हम लिखते हैं 36/48 ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे नंबरेटर का मतलब है कि ऊपर में हम लिखेंगे 9 और नीचे में पता नहीं है। अब क्या करेंगे, अब करना होगा 9 से हम डिवाइड करते हैं 36 को, 36 कितने बार में जाएगा 9 4 जा 36 होता है 36 कट गया, कितने बार में कटा 4 बार में, इसका मतलब है कि 4 से जब हम 36 को डिवाइड किए तो 9 मिला हमको कॉसेंट। ठीक है, उसके बाद अब इसमें क्या करना है कि 4 से हम 48 को डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, मतलब हमको मिल रहा है कितना, यहाँ पे कर लेते हैं 4 48 ये 4 1 जा 4 हो गया कट गया ये और 8 यहाँ पे आ गया तो 4 2 जा 8 कट गया, कितना मिला 12 मिला तो यहाँ पे हो जाएगा 12 तो 9/12 ये आंसर हो जाएगा। अब इसको करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है 36/48 और यहाँ डिनोमिनेटर दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर कितना है 4, अब 4 से हम करेंगे 48 को डिवाइड
तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे है डिवाइड किया हुआ है तो इसी को लेते हैं, इसका मतलब है आ गया कितना 12, मतलब 12 से जब हम इसको डिवाइड किए तो हमको मिला 48, ठीक है। अब 12 से हम डिवाइड करेंगे इसको 36 को, तो 12 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 12 से डिवाइड किए 36 को, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, थ्री बार में कट गया 36, इसका मतलब है कि 3 यहाँ हो जाएगा 3, और आंसर होगा 3/4, ये फ्रैक्शन आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5।